हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिटी वॉक ओनर नासिर जमाल पर चीटिंग एंड फॉर्जरी का मामला, एफआईआर दर्ज करने को कोर्ट ने कहा। एमएल अबू आसिम आजमी के बिजनेस पार्टनर नासिर जमाल के साथ 1986 से सिटी वॉक शूज कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी बिजनेस में 50% पार्टनरशिप चली आ रही है। अबू आसिम आजमी का कहना है कि वो 1992 के बाद से पॉलिटिक्स में बहुत बिजी हो गए थे और पूरे बिजनेस की देखभाल नासिर जमाल को दी गई थी। मुंबई के काला घोड़ा इलाके में बेक हाउस करके एक करोड़ों की प्रॉपर्टी में नासिर जमाल पर अबू आसिम आजमी ने चीटिंग एंड फॉर्जरी का आरोप लगाया। अबू आसिम आजमी ने कोर्ट को बताया कि नासिर जमाल ने स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में उनकी डुप्लीकेट साइन वकालतनामा पर कोर्ट में टेनेंट्स को खाली करवाने का लिटिगेशन फाइल किया। कई बार डॉक्यूमेंट्स मांगे पर फिर भी नासिर जमाल ने अबू आसिम आजमी को प्रॉपर्टी एंड कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स बहाने करके नहीं दिखाए। अबू आसिम आजमी को बाद में पता चला कि जिस प्रॉपर्टी को नासिर जमाल ने कोर्ट में लिटिगेशन बताया था, दरअसल नासिर जमाल ने वो प्रॉपर्टी पहले ही अपने नाम कर ली थी। यहां तक कि रेंट रिसीट भी खुद ही बनाकर किसी की साइन करवाकर इलेक्ट्रिक बिल एंड गवर्नमेंट लाइसेंस भी बनवा लिया नासिर जमाल ने। अबू आसिम आजमी ने कहा कि उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा नासिर जमाल ने कि प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है और पीछे से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अबू आसिम आजमी ने एलटी मार्क पुलिस पर भी सारे सबूत देने पर कई महीनों से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अबू आसिम आजमी ने अपने एडवोकेट मुबीन सोलकर के थ्रू मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से 156(3) के तहत नासिर जमाल पर केस दाखिल किया। चीटिंग एंड फॉर्जरी का केस दर्ज कर पुलिस को कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। एडवोकेट मुबीन सोलकर का कहना है कि माय क्लाइंट्स कंप्लेंट डिस्क्लोज ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंसेस एज द अक्यूज्ड हैज फॉर्ज्ड हिज सिग्नेचर ऑन अ वकालतनामा एंड फाइल्ड इट इन कोर्ट। The police ought to have taken cognizance of the complaint by registering an FIR against the accused and investigated the same. Having failed to do so, we approached the learned magistrate and sought an order for registration of FIR and investigation under section 156(3) of CRPC. The learned magistrate was convinced that prima facie the allegations disclosed commission of cognizable offences of forgery and cheating by the accused and hence directed the police to investigate the complaint. इसका मतलब कि वकालतनामा पर अबू आसिम आजमी की जाली फॉर सिग्नेचर करके कोर्ट में फाइल किया गया था और इस मैटर पर एफआईआर की मांग की गई थी। मैजिस्ट्रेट इस एलिगेशन पर चीटिंग और फॉर्जरी पर कन्विंस होकर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्ट किया है। वही गली न्यूज से बात करते हुए नासिर जमाल ने कहा कि सारे आरोप गलत है और वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे।